हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया की टॉप 5 ICBM की। ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को मेनली परमाणु हथियार ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। इन घातक मिसाइलों की न्यूनतम रेंज होती है 5500 किलोमीटर। आधुनिक ICBM आमतौर पर एक से अधिक परमाणु हथियार ले जा सकते हैं। ICBM के आधुनिक डिजाइन मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी MIRV को सपोर्ट करते हैं, इसलिए एक मिसाइल कई वॉरहेड ले जा सकती है और हर एक वॉरहेड अलग अलग टारगेट पर हमला करता है। इसके अलावा इन मिसाइलों में दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने के लिए एरिया ऑफ डिकॉयज भी होते हैं। ICBM साइलो बेस, रोड मोबाइल, रेल बेस और सबमरीन बेस होते हैं। इसमें से मोबाइल ICBM को लॉन्च से पहले पता लगाना या नष्ट करना काफी मुश्किल होता है। इस टॉप 5 रैंकिंग को हमने कुछ की पॉइंट को ध्यान में रखकर बनाया है, जैसे मिसाइल की रेंज, पेलोड ले जाने की क्षमता, कितने MIRV कैरी कर सकती है, इनकी मौजूदा संख्या कितनी है, एक्यूरेसी क्या है और एयर डिफेंस सिस्टम से बचने के लिए इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है और वो कितनी कारगर है। तो पेश है आपके सामने दुनिया की 5 सबसे बेहतरीन और खतरनाक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिल्कुल फ्री है ये, कोई पैसा नहीं लगता है, पर आपके एक सब्सक्राइब करने से हमारा जो हौसला बनता है ना उसका कोई मोल नहीं है। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें इंफॉर्मेटिव हिंदुस्तान को। नंबर 5 पर जो ICBM है वो है फ्रांस की M51। ये एक सबमरीन से लॉन्च की जाने वाली मिसाइल है। इस मिसाइल के डिजाइन का काम 1992 में शुरू हुआ और 2010 में इसको फ्रेंच नेवी में इंडक्ट किया गया। इस मिसाइल को फ्रांस की ले ट्रायोफेट सबमरीन में तैनात किया गया है। M51 कम पेलोड के साथ 10,000 किलोमीटर और फुल पेलोड के साथ 8,000 किलोमीटर तक अपने टारगेट को नष्ट कर सकती है। चीन, रूस और अमेरिका के अधिकतर भाग इसकी रेंज में आते हैं। M51 मिसाइल में 6 से 10 MIRV हो सकते हैं और हर एक MIRV 107 किलोटन का होता है। M51 में एस्ट्रो इंटीरियल गाइडेंस सिस्टम लगा हुआ है। इसमें गैलिलियो नेविगेशन सिस्टम लगाने का भी प्लान था पर अभी तक लगाया नहीं गया है, इसलिए हो सकता है कि M51 सैटेलाइट नेविगेशन वाली मिसाइलों की तरह स्ट्रिक ना हो, पर फिर भी इसका सर्कुलर एयर प्रोबेबल यानी CEP 150 से 200 मीटर का है। फ्रेंच कुल 4 ले ट्रायोफेट क्लास की सबमरीन यूज करता है। इस क्लास की सबमरीन में 16 M51 मिसाइलें होती हैं, तो कुल 64 M51 मिसाइलें इस्तेमाल के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। नंबर 4 पे जो मिसाइल है वो है रशियन R-29 RMU-21 लाइनर। ये एक सबमरीन से लॉन्च होने वाली मिसाइल है। ये पहली R-29 RMU-2 सिनोवा का अपग्रेडेड वर्जन है। लाइनर को 2014 में इंडेक्स किया गया है। इस रशियन सबमरीन बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज फुल पेलोड के साथ 8300 किलोमीटर और कम पेलोड के साथ 12000 किलोमीटर तक है। ये मिसाइल एक साथ 12 वॉरहेड को ले जा सकती है और हर वॉरहेड की कैपेसिटी 100 से 300 किलोटन तक हो सकती है। ये मिसाइल वॉरहेड के साथ डिकॉय भी ले जा सकती है, जिससे कि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सके। रशिया की कुल 6 डेल्टा कोर क्लास की सबमरीन में इस मिसाइल को तैनात किया गया है। नंबर 3 पर है अमेरिका की Minuteman III। अमेरिका के पास इन मिसाइलों की संख्या सबसे ज्यादा है। इस मिसाइल का इस्तेमाल 1970 में शुरू हुआ था। उस समय दुनिया की इकलौती ऐसी मिसाइल थी जिसमें MIRV का यूज किया गया था। 40 साल से ज्यादा समय तक अपनी सेवा दे चुकी ये मिसाइल आज भी अमेरिका की एक मेन ICBM है। हालांकि इसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए समय समय पर इसमें काफी सुधार भी किए गए हैं। 2030 तक इसके सेवा में रहने की उम्मीद है। Minuteman III एक साइलो बेस मिसाइल है। 2005 में LGM-118 पीस कीपर के रिटायर होने के बाद Minuteman III अमेरिका की एकमात्र लैंड बेस्ड ICBM रह गई है। अमेरिका के पास अभी 450 Minuteman III मिसाइल सर्विस में है और 50 से 80 के बीच रिजर्व में है। ये पूरी दुनिया में किसी एक देश के पास बैलिस्टिक मिसाइलों की सबसे बड़ी संख्या है। इन मिसाइलों को US एयर फोर्स ग्लोबल स्ट्राइक कमांड मैनेज करती है। Minuteman III की अधिकतम रेंज 13,000 किलोमीटर है। इसमें लगे ओरिजिनल इंटीरियर नेविगेशन सिस्टम से इसका CEP 150 मीटर हो जाता है। नंबर 2 पर है RS-24 ERS। ये एक रशियन ICBM है। वेस्टर्न वर्ल्ड में इसको SS-29 के नाम से भी जाना जाता है। ये RS-12M2 का एक इम्प्रूव्ड वर्जन है। इसको साइलो बेस और रोड मोबाइल दोनों के लिए विकसित किया गया है। इसको 2010 में इंडेक्ट किया गया। 2016 में रशिया ने 63 रोड मोबाइल और 10 साइलो बेस यारिस मिसाइलों को तैनात कर दिया था। यारिस रशिया की मेन लैंड बेस न्यूक्लियर मिसाइल है। RS-24 ERS की रेंज 12,000 किलोमीटर है और ये 6
100 से 300 किलोटन के इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। सोर्स की माने तो ये मिसाइल 10 तक री एंट्री व्हीकल ले जा सकती है। यारस के सीईपी 150 से 200 मीटर तक का है। 2019 में रशिया के द्वारा अवनगार्ड हाइपरसोनिक ग्लाइडिंग री एंट्री व्हीकल को ऑपरेशनल घोषित किया गया। ये मिसाइल के टॉप पर माउंट होता है। ये एक रेगुलर री एंट्री व्हीकल के मुकाबले ज्यादा सात मनूवर कर सकता है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो अवनगार्ड की टॉप स्पीड 33,000 किलोमीटर पर आवर यानी कि मैक 27 तक की है। जो कन्वेंशनल मिसाइल इंटरसेप्टर होते हैं वो मुश्किल से 6,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाले टारगेट को इंटरसेप्ट कर सकते हैं। रशिया का प्लान था कि 2019 तक कुल 21 यारस मिसाइलों को अवनगार्ड से लैंस किया जाएगा। नंबर एक पर आती है ट्राइडेंट D5 या ट्राइडेंट 2। ये एक अमेरिकी सबमरीन से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। ये एक इम्प्रूव्ड वर्जन है ट्राइडेंट C4 का। इसको 1990 में पहली बार डिप्लॉय किया गया था। इस मिसाइल का यूज यूएसए के साथ साथ यूके भी करता है। यूएसए ने ट्राइडेंट 2 को ओयो क्लास सबमरीन में तैनात किया है, जबकि यूके ने वैनगार्ड क्लास सबमरीन में इसको तैनात किया है। ट्राइडेंट 2 की रेंज फुल पेलोड के साथ 1800 किलोमीटर और कम पेलोड के साथ 12,000 किलोमीटर है। यूएस की ट्राइडेंट 2 475 किलोटन के 14 वारहेड को ले जा सकती है। ये सारे वारहेड री एंट्री व्हीकल के साथ अलग अलग टारगेट को हिट कर सकते हैं। यूके अपनी मिसाइलों में अलग री एंट्री व्हीकल का यूज करता है। यूके की ट्राइडेंट 2 एक साथ 12 वॉरहेड को ले जा सकती है। ट्राइडेंट 2 को सबसे खतरनाक बनाती है इसकी एक्यूरेसी। इसका सीईपी 90 मीटर है। इसको एस्ट्रो इंटीरियर नेविगेशन सिस्टम से गाइड किया जाता है और साथ ही ये जीपीएस के डाटा का यूज भी करती है। तो ये थी दुनिया की 5 सबसे खतरनाक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। उम्मीद है कि आपको वीडियो आया होगा पसंद। अगर आया है पसंद तो कर दीजिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।